दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल आरबी कार लवर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखने वाला यामा R15 के बिग अपडेट, बहुत ज्यादा अपडेट कर दिया है भाई। R15 में पुरानी वाली R15 नहीं है, इसको देख के वीडियो स्किप ना करिए, पूरी वीडियो देखिए। देखिए यहाँ कितना प्यारा लुक है, पुराना वाला है ऑब्वियसली, लेकिन बहुत प्यारा लुक और अच्छा खासा डिजाइन के साथ ही। देखिए इसको पूरा चेंज कर दिया गया है ग्राफिक्स को, पहले ऐसा नहीं आता था, यहाँ गोल्डन टचअप में दिया गया है। अभी जो इस वीडियो बना रहा हूँ मैं, आप इसको अच्छे से देखिए, इसमें बहुत सारे चेंज किए। देखिए बिग अपडेट है यहाँ पे, DRLs साथ में प्रोजेक्टर्स वगैरह काफी कुछ अपडेट कर दिया है भाई साहब। ये देखो प्रोजेक्टर कितना प्यारा है, मस्त एकदम स्वीट सिंपल लग रहा है और अच्छा फोकस है, बहुत प्यारा। उसी के साथ में आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे साइड में बाइबर का सिस्टम मिल जाता है, जो कि पहले भी आता था ऑब्वियसली, बट थोड़ा इंप्रूव किया है ऑयल की प्रेशर लाइन वगैरह को थोड़ा सा, और ABS की सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। सभी को पता है कि इसमें ABS आता है, यहाँ पे डिस्क है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन अलॉय का भी रख दिया गया, और कलर बहुत प्यारा चूज़ किया गया है। यामा एनी टाइम कलर बहुत प्यारा सेटअप करती है। देखिए यहाँ पे भी टायर साइज वगैरह, आप काफ़ी टायर साइज तो लगभग सेम है, कोई चेंजेस नहीं किया गया है, बट सबसे ज़्यादा बिग चेंज, सबसे पहले डिज़ाइन DRL आपने देखा, और देखो हॉर्न की प्लेसमेंट, और ये देखो सॉकअप का जो डिज़ाइन है चेंज कर दिया, हल्की हाइट बढ़ा दिया गया है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक यानी सस्पेंशन को काफ़ी कम्फर्ट कर दिया गया है पहले के द्वारा, कंफर्टेबली राइड के लिए। ये देखो कितना स्ट्रेट दिया गया है, और ये देखो यहाँ पे ये पूरा मेटल है, प्लास्टिक नहीं है, पहले प्लास्टिक आता था लेकिन अब चेंज करके मेटल दे दिया गया। देखो हॉर्न की प्लेसमेंट काफ़ी खूबसूरत जगह में की गई है, नहीं तो पहले क्या होता था हॉर्न थोड़ा सा नीचे दिखता था, बट अब पूरा हाइट कर दिया गया है। यहाँ पे देखो हॉर्न प्लेसमेंट बहुत गजब, देखो यहाँ पे इतनी प्यारी स्टिकरिंग, यार मज़ा आ गया कसम से, बहुत गजब। देखो यहाँ पे भी साइड कॉर्नर वगैरह काफ़ी अच्छा कर दिया गया है, स्पेस वगैरह के लिए डिज़ाइन बहुत प्यारा करा गया है, पहले ही से सेम डिज़ाइन था, थोड़े से कॉस्मेटिक चेंज किए गए हैं, बट काफ़ी बेहतर चेंज है। यहाँ पे देखो ये डिस्क ऑयल वगैरह भी थोड़ा सा चेंज किया गया है, प्लेसमेंट वगैरह बाकी सेम है। सॉकअप में हल्का सा सस्पेंशन चेंज किया गया है, पहले थोड़ा सा जर्क आता था, बट अब पूरा एकदम स्मूथ राइड के लिए बहुत अच्छा सॉकअप कर दिया गया है। अब जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा दिया गया है, फुट रेस्ट वगैरह पूरा बिल्ड अच्छी है, साइलेंसर चेंज करा गया है। यहाँ पे डिज़ाइन आप देखेंगे पहले के मुताबिक काफ़ी कुछ चेंज कर दिया गया साइलेंसर में, पहले थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, बट अब काफ़ी बेहतरीन लगने लगा है। साथ ही में देखिए यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि ऑब्वियसली सॉकअप चेंज हुआ है तो अच्छा है, बट बरसात में थोड़ी सी इशू बनती है, लेकिन कोई दिक्कत उतनी नहीं आती, वैसे भी बहुत ही मस्त है चलाने में, कोई दिक्कत नहीं आती रनिंग। देखो पीछे भी डिस्क है, पीछे भी ABS की लाइट्स है, यहाँ पे भी देखो ट्यूबलेस टायर ही देखने को मिलेगा आपको, और काफ़ी चौड़ा टायर है। इसमें बिग अपडेट थोड़ा सा, जो कि सॉकअप, हेडलाइट और कुछ फंक्शंस के साथ में ये बिग अपडेट्स है इसके। देखिए यहाँ पे 140 प्रोफाइल, 70 प्रोफाइल के यहाँ पे आपको टायर देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे हैं कटिंग के लिए भी। यहाँ पे बैक साइड का लुक देखिए आप, कितना प्यारा लुक और डिज़ाइन किया गया है, पीछे की लाइट्स चेंज कर दी गई है, ये पीछे ग्रैब हैंडल डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे देखिए पूरा LED सेटअप कर दिया गया है लाइट्स के, पहले LED सेटअप नहीं था इसमें। इंडिकेटर अभी भी हेलोजन है, लेकिन हाँ M मॉडल जो देखेंगे अभी आप, M मॉडल में इसमें LED आता है इंडिकेटर में, यहाँ पे भी LED दिया गया है। ये देखिए रेडिएटर को काफ़ी अच्छा अंदर से, बहुत यानी रेडिएटर पहले थोड़ा सा चुभता था, बट अब नहीं चुभता। देखिए यहाँ पे इंडिकेटर में हेलोजन है, लेकिन जो M वर्जन है इसका, उसमें देखिए यहाँ पे LED दिया गया है इंडिकेटर में, याले वर्जन में LED नहीं दिया गया। हाँ रेट का भी ऑब्वियसली फ़र्क है, देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन किया गया, ग्राफिक्स R15 की बहुत गजब है। देखिए यहाँ पे वर्जन 4.0 की भी बेजिंग, और देखिए कितना यार बहुत गजब डिज़ाइन लगती है अली। यहाँ पे यामा की बेजिंग दी गई है, यहाँ पे इंजन के लिए ऑयल फिल्टर वगैरह के लिए दिया गया है, यहाँ पे काफ़ी बेहतर पावरफुल इंजन है इसका। यहाँ पे देखिए नोटिस भी लगा दिया गया है, ताकि जब भी हम फिल्टर्स वगैरह कुछ भी साफ़ करते तो वार्निंग हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। देखिए हॉर्न की प्लेसमेंट जैसा आपको बताया था, बहुत गजब तरीके से प्लेस किया गया था यहाँ पे। यहाँ पे देखिए अगर कूलेंट वगैरह चेंज करना है तो थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है, बट सर्विसिंग के समय सर्विस मैनेजमेंट को पता रहता है कैसे चेंज करना है। यहाँ पे रेडिएटर भी अच्छा खासा बड़ा साइज कर दिया गया है। यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट काफ़ी बेहतर लुक देती है पीछे से। और हाँ, साथ ही में जो साड़ी गार्ड है इसको थोड़ी सी हाइट बढ़ा दिया गया है, और ये देखिए फुट रेस्ट को भी अच्छे से कर दिया गया है। यहाँ पे जो फुल मेटल है, चैन एडजस्टिंग भी थोड़ी सी चेंज की गई है पहले के मुताबिक, अब इजी हो जाता है चैन के मैनेज करना। और साथ ही में देखेंगे तो ये प्लास्टिक है, थोड़ी सी कॉस्मेटिक कटिंग हुई है कॉस्टिंग की, बट कोई ना कंपनी इतना करेगी। यहाँ पे देखो सॉकअप जैसा बताया था मैंने, फुल्ली चेंज किया गया है, पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल राइड बना दिया गया है।
यहाँ पे वार्निंग्स वगैरह दी गई है। ये देखिए यहाँ पे तो ऑब्वियसली स्प्रिंग ही लगा रहता है। पांच गियर इसमें जो VM है उसमें क्विक शिफ्टर मिल जाता है आपको, इसमें क्विक शिफ्टर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे R15 की बेजिंग सेम डिज़ाइन, स्पोर्ट्स लुक वाला, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स बाइक है तो स्पोर्ट्स डिज़ाइन रहेगा ही। यहाँ पे देखिए क्या प्यारी स्टिकरिंग के साथ में पूरा कंप्लीट सेटअप किया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा बड़ा है, पहले जो ग्राउंड क्लियरेंस को दिक्कत थी अब उसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पैकिंग की गई है बहुत गजब तरीके से, इसकी चाबी है। चलिए अब मैं आपको चाबी ऑन करके दिखाता हूँ। इसमें दो चाबी देखने को मिल जाती है नॉर्मल यामा की, देखिए यहाँ पे। और ये जो हैंडल बार देख रहे हैं ये कटिंग के लिए बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, साथ ही में कंट्रोल सेम है, कंट्रोल चेंज नहीं किया गया है। स्पीडोमीटर में काफ़ी कुछ चेंज है, आप बोलेंगे तो मैं स्पीडोमीटर को लेके या फिर इंस्ट्रूमेंट कस्टर जो भी आप बोले उसको लेके अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे मिरर नहीं है, मिरर लगाने के ऑप्शंस है बट ये शोरूम में बना रहा हूँ इसलिए यहाँ पे मिरर नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ऑयल डिस्क ऑयल का दिया गया है। मैं भी जहाँ वीडियो बना रहा हूँ पवनपुत्र यामा बालाघाट मध्य प्रदेश में बना रहा हूँ, यहाँ पे कट ऑफ स्विच स्टार्टअप स्विच एक ही में दिया गया है। काफ़ी आपने पिछले जो MT की वीडियो थी उसमें भी सेम एज इट इज ही सेटअप था, बहुत गजब सेटअप लगता है ये। यहाँ पे आप देखेंगे तो हैजार्ड लाइट के भी नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए स्टार्ट ये हैजार्ड लाइट के भी ऑप्शन यहीं दिए गए हैं। काफ़ी कुछ चेंज है ये, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, वहाँ पे मल्टीमीटर में चेंज होते रहेगा इन्फॉर्मेशन वगैरह, यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं आप। ये देखिए ये जो सामने का आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए एक बार आप ये जो कट आता है ना R15 का मजा उसी में। यहाँ पे E20 पेट्रोल VS7 नॉब्स पे आता है, देखिए क्या खूबसूरत डिज़ाइन है। यहाँ पे कंफर्टेबली दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स बाइक है तो दो से ज़्यादा नहीं बिठा सकते, दो ही बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, अपने आप पार्टनर कपल किसी के साथ ही बहुत अच्छे से कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। इसको देखो मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से जैसे आप ओपन करेंगे तो नीचे आपको टूल्स देखने को मिल जाएगा। इसको सामने स्लाइड करना है, अगर सामने की सीट खोलना है तो याले इसको पैनल को ओपन करके आप सामने की सीट इजीली खोल सकते हैं। इसे मैं लॉक कर देता हूँ। अब बात करें आपको कलर की तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये मेट ग्रे कलर में है, गोल्डन अलॉय के साथ में बहुत गजब लुक दे रहा है ये। उसी के साथ में आपको यहाँ पे ग्रे कलर भी मिल जाता है, ये जो देख रहे हैं ग्रे कलर ये VM है, सॉरी R15M है, ये सबसे टॉप मॉडल कहलाता है नया कलर, ये ब्लू है। इसी के साथ में एक सिंपल ग्रे कलर भी देखने को मिलेगा आपको, ये मैट ग्रे है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए ये एक सिंपल ग्रे कलर में है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।